देखो यार, एक बात तो साफ है, सैकड़ों फिल्मों के लिए साल 2022 सही नहीं रहा। काफी फिल्में थी जो रीमेक थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर चुकी थी। ऐसे में अब एंट्री होने वाली है हमारे फेवरेट डायरेक्टर रोहित सेट्टी की। इनकी फिल्में ऐसी होती हैं जो कभी ऑडियंस को निराश करती ही नहीं है, चाहे वो फिल्म रीमेक ही क्यों ना हो। रीमेक फिल्म होगी वो भी एटलीस्ट हिट तो हो ही जाएगी। अभी फिलहाल ये आने वाले हैं सर्कस फिल्म लेकर, और ये फिल्म दिसंबर में ही रिलीज होगी, दिसंबर 23 को। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको दिखाई देंगे रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, जैकलिन और पूजा हेगड़े। इसके अलावा भी ढेर सारे एक्टर्स हैं, बट वो साइड एक्टर्स हैं तो मैंने नाम लेना उचित नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात है, इक्का दुक्का सीन दिखाई देगा आपको अजय देवगन का और दीपिका पादुकोण का भी। रणवीर सिंह और वरुण शर्मा डबल रोल में इसमें दिखाई देंगे, और ये फुल एंड फुल कॉमेडी फिल्म होने वाली है, फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है, तो ये हमें एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली कराएगी ही कराएगी। इसके अलावा फिलहाल नेक्स्ट वीक में इसका ट्रेलर रिलीज होगा, तभी इसकी स्टोरी का पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इसकी कास्टिंग करी गई है वो सीधा निशाना करती है कि वो गोलमाल जैसी कोई फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है बट कॉमेडी टाइमिंग परफेक्ट होने वाली है। वरुण शर्मा को फिल्म में लेना मतलब समझा जा सकता है क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन रोहित सेट्टी की डायरेक्शन पे विश्वास तो किया ही जा सकता है। जो भी आगे अपडेट आएंगी, ट्रेलर आएगा, मूवी आएगी, सारी अपडेट आपको मिलेंगी, प्लस रिव्यू भी करेंगे। तो अभी अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।